नमस्कार दोस्तों, कविता है दो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 19। डीटेट प्लस बी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है, जिसमें हम एक एक प्रश्नों को उनके विच सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न मददगार साबित होंगे। देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी उपन्यासकार भाई कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? नहीं को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है आपको। क्या पूछा हुआ है या नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा, आप सभी को बताएं, मनु भंडारी जी। तो जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, तीनों साहित्यकार उपन्यासकार जो है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया जा चुका है, लेकिन मनु भंडारी जी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान नहीं मिला। और 2008 में इन्हें मनु भंडारी जी को इनकी रचना एक कहानी यह भी, इस पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। और अन्य उपन्यासकारों को देख लेते हैं, किस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जैनेन्द्र कुमार को 1966 में मुक्तिबोध रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। भगवती चरण वर्मा को 1961 में भूले बिसरे चित्र रचना पर यह अकादमी पुरस्कार दिया गया। और अमृतलाल नागर को 1967 ईस्वी में अमृत और विष रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर दो। खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? खूंटियों पर टंगे लोग जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है तीसरे सप्तक के प्रमुख कवियों में आती है, और सप्तक जो तार सप्तक का संपादन किया था वो किया था अज्ञेय जी ने 1959 ईस्वी में। उसके बाद जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ रचनाएं भी देख लेते हैं। कांट की आंडिया 1959 में, बांस का फूल 1963, एक सोनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1966, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खुटियों पर टंगे लोग 1982 की इनकी रचना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर तीन। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी नारा किस साहित्यकार ने दिया? यह नारा जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये नारा देने वाले साहित्यकार रहे थे प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी, कवि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 14 सितंबर 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बेजे गांव में हुआ। उनके पिता ने उन्हें ज्योतिषी की शिक्षा दिलानी चाही, लेकिन उनका मन ज्योतिषी में नहीं लगा। उन्हें अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाया, परंतु उनका मन वहाँ भी नहीं लगा। जब स्कूल में वे न पढ़ सके तो घर पर ही वह स्वाध्याय से उन्हें हिंदी, उर्दू और फारसी, संस्कृत और बांग्ला भाषा सीख ली। कितनी भाषाओं का ज्ञान उन्हें अपने स्वाध्याय से ही घर पर रहकर ही प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही जो है इन्होंने इन भाषाओं पर अच्छी पकड़ बना ली। उन्होंने कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया था, और उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के काल में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जैसा प्रसिद्ध नारा देकर देश को एकजुट होने का संदेश दिया था। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचनाओं में भारत दुर्दशा, लोकोक्ति शतक, कली कौतुक, श्री प्रेम पुराण, हठी हमीर कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली रचनाएं हैं भाई। भारत दुर्दशा, हठी हमीर इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का भी जो इन्होंने सफलतापूर्वक संपादन किया है। उन्होंने 40 पुस्तकों की रचना की है। उनकी साहित्यिक विशेषता थी कि उन्हें दांत भो वृद्ध, धोखा, बात, मूछ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध उन्होंने लिख डाले थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा साहित्यकार था जिन्होंने मानव के शरीर के अंगों के नाम पर जो है अपने पूरा का पूरा निबंध ही लिख डाला था, जैसे कि धात, दांत, भो, पेट, इस प्रकार से नाक, इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी सारे निबंध लिखे थे शारीरिक अंगों को आधार बना करके। उन्होंने निबंधों में हास्य व्यंग्य शैली की पूर्णता भी दिखाई थी।
बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन किया गया, तो वह काव्य कौन सा है? हमारा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो रचयिता आपको सभी को पता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरिओद जी द्वारा ये जो है महाकाव्य लिखा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने प्रिय प्रवास की रचना की और 1914 ईस्वी में इसे प्रकाशित कराया गया। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, क्योंकि प्रिय प्रवास के संबंध में मैं आप लोगों को पहले भी करा चुकी हूँ काफ़ी बार। तो इसके नायक आप सभी को पता है श्री कृष्ण है, और विषय रहा श्री कृष्ण चंद्र की मथुरा यात्रा, इसी में इनका जो है नाम प्रिय प्रवास रखा गया। इसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर हमारा देख लेते हैं, काफ़ी लंबा है ये, काफ़ी बड़ी वीडियोज हो जाएगी। पहले मैं आप लोगों को ये करा चुकी हूँ प्रिय प्रवास संबंधी, तो आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हो तो अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए, अगर तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो पीछे की क्लास आपको बार बार देखनी होगी और बार बार प्रश्नों को रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न देखने को मिले तो आसानी से उनका सही आंसर करो, और घुमा फिरा कर भी परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाए तो विद सॉल्यूशन के साथ जब आप कर लेते हो तो आपको सभी तथ्य जो है क्लियर हो जाते हैं। और भाई आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छी लगती है, तो आप लोग जो है कमेंट और लाइक अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो कब मान्यता मिली भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में? ये मिली हमें 14 सितंबर 1949 को। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक माना है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये कथन जो है महात्मा गांधी जी का है अगर परीक्षा में पूछा जाए तो। 1918 ईस्वी में इंदौर के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि मेरा मत यह है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिकृष्ट और परिमार्जित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिकृष्ट और परिमार्जित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती। 1903 में जो है 1920 तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और इनका कार्यभार संभाला था। यह पत्रिका 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से शुरू होती है। अगर ये पूछा जाए सरस्वती पत्रिका की शुरुआत जो है कहाँ से की गई, तो इलाहाबाद से, ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआती वर्षों में श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से जो पहले जो संपादक रहे वे श्याम सुंदर दास जी थे। उससे पहले जो है 1900 ईस्वी में जो संपादक रहे वे रहे कुछ समय के लिए चिंतामणि घोष जी। चिंतामणि घोष के बाद श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया, और उसके बाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1920 तक जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला। उसके बाद देख लेते हैं आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहासकारों में सर्वोच्च स्थान पर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाएं निकाली। इस पत्रिका में खड़ी बोली को परिकृष्ट करने और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के में जो है योगदान दिया। बाद में इसके संपादक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और देवीदत्त शुक्ल श्रीनाथ सिंह आदि रहे। ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नहीं किया या किसने नहीं किया? तो ये इस प्रकार से इन विद्वानों का नाम आपको ध्यान रखना है, पुन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल और श्रीनाथ सिंह, इन सभी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन में अपना योगदान दिया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी हिंदी। तो दक्षिणी हिंदी के रूप में विकसित हुई। तो देख लेते हैं, दक्षिणी हिंदी के रचनाकारों में प्राय किसी ने किसी मात्रा में खड़ी बोली से निकटता दिखाई,
पड़ती है। तो दक्षिणी हिंदी के रचनाकारों में जो है किसी न किसी मात्रा में खड़ी बोली से निकटता हमें देखने को मिलती है। इनकी कुछ रचनाएं तो ऐसी है जो उत्तर भारत में खड़ी बोली की रचनाओं के रूप में ही विख्यात है। और उदाहरण के लिए वल्ली दकनी की यह गजल देख लेते हैं, जैसे इस कातिर कारी लगे जैसे जिंदगी उसे जिंदगी क्यों भारी क्यों न भारी लगे, जिसे इस कातिर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। वली को कहे तू अगर एक वचन, रबी रकीबों के दिल में कटारी लगे। जो ये गजल है इससे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो है एक तरह से हम देखें तो दक्षिणी हिंदी में लिखी गई जो ये गजल है, ये इसमें खड़ी बोली का हमें पुट देखने को मिलता है। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी। तो राजकाज की भाषा के रूप में आप सभी को तो पता है फारसी भाषा को मान्यता प्राप्त थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 9, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। तो धूमिल जी की ये पंक्ति है, कही गया गया कथन है, तो धूमिल जी द्वारा जो है ये कहा गया है। तो उनकी नज़र में जैसे धूमिल जी के पांडे बेचैन शर्मा सॉरी भाई उग्र ने सुदामा पांडे धूमिल जी का जो नज़र में जो है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। 9 नवंबर 1936 ईस्वी को बनारस के खेवली गांव में सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म हुआ था। और कवि धूमिल की कविताएं अपनी समय में कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। सड़क से संसद तक काफ़ी संसद से सड़क तक सॉरी भाई संसद से सड़क तक काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली इनकी रचना है नामक एक कविताओं का संग्रह है। संसद से सड़क तक कविताओं का संग्रह है और जो सन 1971 ईस्वी में प्रकाश में आया। भय भूख अकाल सत्तालोभ लुप्तता और अंतरहीन भटकाव को रेखांकित ये करता है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये भी धूमिल जी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाली पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 10, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलतनामा है। ये पंक्तियाँ जो हैं निम्नलिखित में से ये पंक्तियाँ भी जो है धूमिल जी द्वारा कही गई हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 को, प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा। तो प्रेमचंद ने कहानी को गल्प नाम दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुंशी प्रेमचंद का रचना संसार इतना विराट है कि इस लेख में विस्तार से लिख पाना संभव नहीं है। यानी कि हम कहना जो है मुंशी प्रेमचंद जी के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रेमचंद जी से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सभी बिंदुओं को एक साथ यहाँ रखें। ऐसा करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और जो है आप लोगों का जो समय एक ही प्रश्न में निकल जाएगा। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहेंगे परीक्षा में। तो प्रेमचंद जी से संबंधित कहानियों की संख्या है 300। कई बार कहानियाँ और उपन्यास और ये नाटक इन से जो संख्या भी पूछ ली जाती है। कई बार पूछा गया प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानियाँ कितनी है, तो ध्यान रखना है 300 कहानियाँ इन्होंने लगभग लिखी है, 15 उपन्यास, 3 नाटक। 3 नाटक इनके कौन कौन से रहे हैं, एक है संग्राम, एक है करबला, एक है प्रेम की वेदी। इन तीनों नाटकों को भी परीक्षाओं में पूछा जाता है या फिर उपन्यासों के अंतर्गत नाटकों को वहाँ पर रख दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा नाटक है। तो इस प्रकार से अगर घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछ लिया जाए तो आप जो है समझ के साथ करते हुए तथ्यों की जब बार बार रिवीजन कर लोगे बार बार वे तथ्य आपको जो है आपके सामने आएंगे तो अपने आप ही परीक्षा में वे प्रश्न सही होते चले जाएंगे। तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है जितना भी पढ़ो कि बार बार उनको रिवाइज करते हुए चलो ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन परीक्षा में ना हो। तो देख लेते हैं प्रश्न उसके बाद देख लेते हैं 10 अनुवाद और 7 बाल
पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जनसाधारण की भावनाएं, तत्कालीन परिस्थिति और समस्याओं का मार्मिक चित्रण भी किया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या रचना के रचनाकार कौन है? तो इस रचना के रचनाकार रहे हैं जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र जी द्वारा लिखी गई नीलम देश की राजकन्या, जैनेन्द्र जी के और अन्य कहानी संग्रह भी हम देख लेते हैं, जिसमें कि फांसी इनका प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है 1929 ईस्वी में। उसके बाद है वायतयान 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, दो चिड़िया 1935। सभी तथ्यों को बार बार, रचनाओं को बार बार पढ़ना है आपको। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 13, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक निम्नलिखित में से लाला भगवान दीन है। और प्लेग की चुड़ैल कहानी जो है भगवान दीन जी द्वारा लिखी गई। भगवान दीन का जन्म जो है 1869 ईस्वी में हुआ, 1958 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक, कई संस्थाओं के संस्थापक माने जाते हैं। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार की सर्वोच्च उपाधि से वसीभूत किया गया। और भगवान दीन की रचनाएं प्लेग की चुड़ैल कहानी, उर्दू बेगम कहानी, ये सभी जो है भगवान दास की जो है प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14, बुद्ध गुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र है? तो बुद्ध गुप्त और चंपा आकाशदेव, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई, स्वच्छंतावादी दृष्टि को अभिव्यक्त किया गया है इसमें। और यह नायिका प्रधान प्रेम कहानी मानी जाती है। और इस कहानी की नायिका चंपा है। यह जयशंकर प्रसाद की का तीसरा कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे, और इनमें संकलित कहानियों की कुल संख्या 19 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं, अम्ब्राहिम नामक कहानी के लेखक कौन है? अम्ब्राहिम जो ये इस कहानी के लेखक निम्नलिखित में से भीष्म साहनी जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भीष्म साहनी जी जो है हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में शामिल है। उनको जो है 1975 ईस्वी में तमस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया जा चुका है। उपन्यास इनके हैं झरोखे, तमस बसंती, माया दास की माड़ी, कुंतो, नीलो नीलिमा नीलो फर, और कहानी संग्रह में शामिल है मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, वांगचो, निशाचर। उस नाटकों में शामिल है भीष्म साहनी जी के। नाटक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हानुष 1977 ईस्वी, माधवी 1984 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1985, मुआवजे 1993। उसके बाद जो है आत्मकथा है भीष्म साहनी जी की, बलराज माई ब्रदर नामक आत्मकथा जो है भीष्म साहनी ने लिखी। उसके बाद है गुलेल का खेल, इनकी बाल कथा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? तो ये लेखक रहे हैं हमारे श्री राम शर्मा जी ने हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का जो है की शुरुआत की है, का श्री गणेश किया है। ये प्रवर्तक माने जाते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं श्री राम शर्मा जी से संबंधित। श्री राम शर्मा जी का जन्म 23 मार्च 1896 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के सिकोहाबाद सह तहसील के किरथारा गांव में इनका जन्म हुआ। इनके दादा जमींदार थे, परंतु दुर्भाग्य से उनके पिता रेवती राम शर्मा का निधन अल्पायु में ही हो गया। रिश्तेदारों तथा अन्य जमींदारों के कुचक्र से उनकी पैतृक संपत्ति जाती रही। और शर्मा जी की माता जी के तीन बेटों के साथ संघर्षपूर्ण उनकी माता ने अपना जीवन व्यतीत किया और स्वयं खेती की और बेटों का पालन पोषण किया। श्री राम शर्मा जी की आरंभिक शिक्षा उनके बड़े भाई से ही उन्हें प्राप्त हुई। हिंदी के साहित्य और संस्मरण
साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार ये रहे। कहते हैं कि उनके एक हाथ में कलम रहती थी और दूसरे हाथ में बंदूक। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी दीर्घकालीन सेवा अविस्मरणीय रही है और साथ ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनका सहभागिता को भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद देख लेते आगे, 1920 ईस्वी में प्रताप कानपुर का संपादन इन्होंने किया। प्रताप जो पत्र निकाला, कानपुर से निकाला गया, 1920 में जो है श्री राम जी ने इसका संपादन किया। 1938 ईस्वी में लोकप्रिय मासिक विशाल भारत के संपादक बने, यानी कि मासिक पत्रिका निकाली विशाल भारत। 1938 में विशाल भारत के भी उन्होंने के विशाल भारत के भी ये संपादक बने। उन्होंने जो है विशाल भारत पत्रिका और प्रताप, इन दोनों पत्रिकाओं को जो है का संपादन किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। श्री राम शर्मा जी से संबंधित जो है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र या पत्रिका नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का नाम। उसके बाद जो है वैतनिक रूप से 1952 ईस्वी तक यह सेवा करते रहे मोहन सिंह सेंगर तथा अज्ञे जी उनके सह संपादक थे और 1938 ईस्वी में 1962 तथा विशाल भारत के संपादक 1938 ईस्वी से लेकर 1962 तक उन्होंने विशाल भारत का जो है संपादक किया। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम आप सभी को पता है। उत्तरकालीन यानी कि अपभ्रंश के बाद की जो अवस्था आई वो थी अवहट। बढ़ते हैं आगे, 11वीं से 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाओं को क्या नाम दिया? अवहट नाम दिया। जैसे कीर्ति लता कीर्तिपथा का जो रचनाएँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, सॉरी भाई, कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो कि विद्यापति जी की रचनाएं हैं, उनका उनकी भाषा भी जो है अवहटी मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, मैथिली शरण गुप्त तो द्विवेदी युग के कवि है, ये मैं आदिकाल से संबंधित बातें कर रही हूँ विद्यापति की। उसके बाद देख लेते हैं आगे, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही जो है निम्नलिखित में से किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो ये बिहार की बोली है मगही। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो इसे किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। मगही बोलने वालों की संख्या 1,30,00,000 मानी जाती है। मुख्य रूप से यह बिहार के गया, पटना, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद, अलवर, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और औरंगाबाद के इलाकों में बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत बुंदेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। मालवी, निमाड़ी और भीली बोलियों के साथ ही कोकरू तथा गोड़ी जैसी बोलियां भी बोली जाती हैं। और राजस्थान के अंतर्गत आप सभी को पता है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बावड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती और ब्रज, मालवी, रांगड़ी आदि बोलियां बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, मागधी, उड़िया, बत्री, हल्बी, सदरी आदि जो है बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी के अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, इसमें अवधी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरटा और पंच परगनिया, कुआवनी, मगही आदि प्रमुख है। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी में साहित्य रचा जाता है, जैसे कि ब्रज भाषा और अवधि में। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। आज का प्रश्न नंबर 19 हमारा, भिखारी दास के काव्य निर्णय में किसका विवेचन है? तो भिखारी दास का जो काव्य निर्णय रचना है उसमें सर्वांग विवेचन दिखाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास देख लेते हैं, उनकी प्रमुख कृतियाँ उपन्यासों में शामिल है सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, सह और मात, एक इंच मुस्कान, मनु भंडारी के साथ इन्होंने सहभागी रचना लिखी थी। एक इंच मुस्कान मनु भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों की जो है
रचनाएं हैं, उनको उन्होंने सहयोग से जो है इस रचना का जो है को लिखा था, इस रचना को सहयोग से ही लिखा था। दोनों साहित्यकार रहे हैं। इसके उल्टा अनदेखी अनजाने फूल मंत्रविद एक कथा शैलेंद्र, ये सभी के सभी उपन्यास जो हैं राजेंद्र यादव जी से संबंधित है, राजेंद्र यादव जी के हैं। उसके बाद देख लेते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में शामिल है इनके जो है देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है कई बार पूछे जाते हैं, छोटे छोटे ताजमहल, ये भी इम्पोर्टेंट है, किनारे से किनारे तक टूटना भी इम्पोर्टेंट है, वही काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ढोल और अपने पार, वहाँ पहुँचने की दौड़, हासिल तथा अन्य कहानियाँ, चौकटे तोड़ती त्रिकोण, कविता संग्रह में शामिल है आवाज़ तेरी है। उसके बाद आलोचना के अंतर्गत आते हैं कहानी स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, 18 उपन्यास, प्रेमचंद की विरासत, उपन्यास स्वरूप और संवेदना, ये इनकी आलोचना रचनाओं में शामिल है। संस्मरण में शामिल है वे देवता नहीं है, आत्मकथा है इनके, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, कई बार पूछा जाता है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किस विधा की रचना है, तो जो राजेंद्र यादव जी की द्वारा लिखी गई ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। मणिकर्णिका के लेखक कौन है, तो मणिकर्णिका के लेखक निम्नलिखित में से है तुलसीराम, जो कि एक दलित लेखक है। तुलसीराम ने जो है मुरदैया के आगे का जीवन यानी अपने बचपन के मुरदैया के का साथ छोड़ बनारस का हाथ पकड़ने और उसके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 10 साल का जीवन का संघर्ष है, और मणिकर्णिका प्रसिद्ध दलित साहित्यकार तुलसीराम की आत्मकथा है। मुरदैया का दूसरा भाग ये मुरदैया का ही दूसरा भाग ये माना जाता है मणिकर्णिका को। हिंदी दलित आत्मकथाओं में डॉक्टर तुलसीराम 2010 में प्रकाशित पहला खंड जो है मुरदैया एवं दूसरा खंड 2013 में मणिकर्णिका, दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आख्यान को प्रस्तुत इसमें करता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 23, लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार कौन है। लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार निम्नलिखित में से अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी रहा है और लेटर बॉक्स कहानी के ये रचनाकार रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, और अज्ञेय जी से संबंधित आप सभी ने पता है अज्ञेय जी ने जो है चार सप्तकों का संपादन किया था। प्रथम सप्तक का प्रकाशन 1943 और दूसरे सप्तक का प्रकाशन जो है 1951, तीसरे का 1969 और जो है चौथे का 1969। दूसरा सप्तक कविता संग्रह, ये भाई थोड़ा सा शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो अज्ञेय जी के संबंध में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे ही रखी है, तो आप पीछे की क्लास को देख सकते हो। तो अज्ञेय को वर्ष 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार जो है काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो तार सप्तक का संपादन इन्होंने किया था अज्ञेय जी ने, जो प्रथम तार सप्तक का नाम का कोई भी सप्तक नहीं है भाई, प्रथम नाम का अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कोई भी नहीं है, प्रथम को का जो मतलब जो पहला तार सप्तक था उसको जो है तार सप्तक के नाम से ही जाना जाता है, और दूसरा सप्तक आया, फिर तीसरा सप्तक, फिर चतुर्थ सप्तक, किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 25, होगी जय होगी जय पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है। तो इस कहानी की लेखिका निम्नलिखित में से सूर्यबाला है। बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं कालियानी संवाद एक, इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, दिशाहीन, थाली भर चांद, मुंडेर पर गृह प्रवेश, सांझवाती, पांच लंबी कहानियां, मानुषकंद, गोरा गुणवंती आदि इनकी बहुचर्चित कहानियां हैं। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन कहकर महाशक्ति राम की वंदन में लीन, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा से जो है ये आधारित है।
उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए, इनमें से तद्भव शब्द आपको छाटना है, तद्भव शब्द बताना है, तो कौन सा है तद्भव शब्द? तो आप सभी को पता है जो हमारे सीधे हिंदी के जो शब्द होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द निकलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम जो है तत्सम शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्दों में शामिल है इनमें कोयला, दश, चंद्र और छत्र, ये सभी के सभी हमारे तत्सम शब्द हैं। तो कोयल जो कोयल का जो कोयल का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कोयल, और छात्र का तत्सम शब्द जो है विद्यार्थी, उसके बाद चांद जो है हमारा तद्भव शब्द है, चंद्र हो जाएगा उस तत्सम में शामिल होगा, उसके बाद जो है देख लेते हैं दश, दश को का जो तत्सम शब्द है वो हमारा दश हो जाएगा, इस प्रकार से ध्यान। उसके बाद देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनपढ़ शब्द में उपसर्ग लगा है, तो अनपढ़ शब्द में उपसर्ग आप सभी को पता है अनुपसर्ग लगा है, जो शब्द के आगे लगकर अर्थ में विशेष परिवर्तन करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं उपसर्ग। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो ये आप सभी को पता है छोटा ए, ओ, ई, ये जो है दीर्घ स्वर नहीं है, अन्य तीनों स्वर जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। हमारे स्वर रूप में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द जो है शब्द हमारे स्वर होते हैं, जैसे कि मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों को हम जो है तीन भागों में बांटते हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न नंबर 29। कौन सा शब्द तत्सम है, तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इक्षु जो है हमारा तत्सम शब्द है, इक्ष का तद्भव हो जाएगा ईक, ईक कहते हैं हम, ईक या गन्ना को ही हम जो है इक्षु कहा जाता है। तो मुँह हमारा जो है मुँह हमारा तद्भव शब्द है, चाह भी हमारा तद्भव शब्द है और सामान भी हमारा तद्भव शब्द है। तो देख लेते हैं तत्सम शब्द जो शब्दों के पीछे जो है अक्षर वर्ण का प्रयोग होता है, अक्षर तत्सम शब्दों के पीछे एक ये ट्रिक है भाई, ट्रिक है ये, ऐसा नहीं है कि ये कभी कभी अपवाद भी हो जाता है, और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्द हमें देखने को मिलता है, ख या छ हमें देखने को मिलता है, जैसे अक्षर का अक्षर हो जाता है तद्भव और ये हमारा क्या है तत्सम, पक्षी हमारा तत्सम शब्द है और तद्भव में आ जाएगा पंछी, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे आज का हमारा प्रश्न नंबर 23 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। हमें हमारा सामान वापस दे दो, वाक्य में अनुचित पद कौन सा है? तो हमारा सामान वापस दे दो, तो वापस दे दो वाक्य में अनुचित जो है पद है, तो देख लेते हैं शुद्ध क्या होगा इसमें, हमें हमारा सामान लौटा दो हम शुद्ध कह सकते हैं, यह अनावश्यक पद का प्रयोग हुआ है इसमें, और शुद्ध वाक्य हमें हमारा सामान लौटा दो, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हर एक प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ हमने किया है, तो इसी तरह हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे और संपूर्ण हिंदी साहित्य संबंधी, काव्य शास्त्र संबंधी, भाषा विज्ञान संबंधी या फिर जो है व्याकरण संबंधी या फिर जो है हिंदी साहित्य संबंधी गद्य हो या पद्य हो, तो सभी हिंदी में पूछे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से आप लोगों के तथ्यों की बार बार रिवीजन भी होगी और प्रश्न जो है आपको याद भी रह पाएंगे, तथ्य आपको याद भी रह पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वही PDF बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है, इसलिए एक लाइक और कमेंट तो जो है आप लोगों को अवश्य करना है, क्योंकि ये करना आप लोगों के लिए
और मेरे लिए दोनों के लिए जो है मददगार साबित होगा। आप लोगों के लिए मैं और नए नए अच्छे अच्छे प्रश्नों को इसी तरह विद सॉल्यूशन के साथ कम समय में अधिक प्रश्नों को कराते हुए अपने तैयारी को हम आगे बढ़ाएंगे, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो, जैसे कि यूपीएससी परीक्षा हुई या लेखपाल की परीक्षा हुई या यूपी पुलिस परीक्षा हुई, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल ये क्लास रहेगी और इसी तरह हमारी सीरीज़ आगे चलती रहेगी। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।